तो दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर एक बैटरी, यहाँ पर यह है लिथियम 600 mAh की बैटरी और यह है 9 वोल्ट की बैटरी। तो इस तरह से दोनों पर मैं सोल्डर करने की कोशिश करता हूँ अभी बिना सोल्डर पेस्ट के, तो क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं सबसे पहले तो इसी पे सोल्डर करने की कोशिश करूँगा, पहले इस पे हम लगा लेंगे इसके वायर्स को और फिर कोशिश करते हैं सोल्डर करने की। तो यहाँ पर दोस्तों सोल्डर हो नहीं पा रहा है बेसिकली, क्योंकि ये जैसे ही मैं इस पे लगा रहा हूँ, जैसे ही जब तक लगते हैं तब तक ये गर्म रहेगा, पीला रहेगा, जैसे छोड़ेंगे तुरंत ऑक्साइड हो जाएगा और ये पकड़ने नहीं देगा, इसका पकड़ मजबूत नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब तक मैं रखता हूँ बिल्कुल पानी की तरह गल जाता है, लेकिन जैसे हटाता हूँ तुरंत ऑक्साइड हो जाता है, इसकी वजह से इसकी पकड़ बना नहीं पाता, या कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस पर दोस्तों हम सोल्डर कर ही नहीं पाएंगे बेसिकली बिना सोल्डर पेस्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं हो नहीं पाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस पर भी सोल्डर होना होगा नहीं जल्दी, चाहे कितना ही मैं इस पर लगा लूँ अच्छे तरीके से तब भी। और हमारा सोल्डर आयरन बिल्कुल दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी ये सोल्डर कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इस पर सोल्डर पेस्ट नहीं लगाया मैंने। आप देख सकते हैं होगा नहीं सोल्डर इस पर। लेकिन दोस्तों अगर हम इस पर सोल्डर पेस्ट लगाते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे पास सोल्डर पेस्ट है ही नहीं, तो इसलिए दोस्तों हम इस पर सोल्डर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हम आज के इस वीडियो में घर पे ही बनाने वाले सोल्डर पे किस तरह से बनाना है, आप लोग वीडियो पूरा देखोगे तो आप लोग भी बनाना सीख जाओगे। और ये जो पेस्ट हम बनाएंगे ये बिल्कुल मार्केट वाले जैसा ही काम करेगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, सिर्फ 5 रुपये के अंदर आसानी से घर पर कोई भी बना सकता है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं फटाफट से। तो इसको पहले साइड में रखते हैं, उसके बाद में आपको सोल्डर करके दिखाऊंगा दोनों पे। तो इस बैटरी को साइड में रखते हैं, आप सोल्डर पेस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं प्रोसेस। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लोहबान, जो कि 5 रुपये के अंदर आपको इजीली काफ़ी हो जाएगा इतना, आप देख सकते हैं दोस्तों ये है लोहबान। और इसको आपको ले लेना है जो उसके घर में होता है तकरीबन, ये वैसे तो सुलगाने के लिए होता है या फिर मधुमक्खी को भगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी को बेसिकली हमें लेना है, 5 रुपये का आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगा आसानी से, तो इसको ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको किसी तरह का एक यहाँ पर, चाहे टीन हो या फिर एल्यूमिनियम हो या फिर किसी भी तरह का एक बर्तन लेना है इस तरह से आपको ढक्कन। और इसको लेने के बाद सिंपली करना क्या है कि इसके अंदर इसको डाल देना है। तो इसके अंदर मैंने बीच बीच छेद कर दिया है बीचों बीच में, तो यहाँ पर इसको रख के मैं स्क्रू लगा दूंगा ताकि ये बिल्कुल रुक जाए। अभी इसको हम जब गर्म करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हीट होगा, तो हाथ से पकड़ेंगे झड़ जाएंगे, इसलिए मैं एक लकड़ी के टुकड़े पर इसको फिक्स कर रहा हूँ। ये हमारा स्टैंड है सोल्डर आयरन का बेसिकली। तो अब हम इसके टाइट कर देंगे इसके स्क्रूज को, और फिर देखना दोस्तों ये वाला जो हम सोल्डर आयरन बनाएंगे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्केट वाले जैसे काम करेगा। और इसलिए दोस्तों क्योंकि हमने इसको पिछले 2 सालों से भी ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं, जब से मैं मुझे पता चला है इसके बारे में तब से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट है और सोल्डर बहुत आसानी से होता है। किसी भी चीज़ पर सोल्डर कर लोगे अगर ये चीज़ आप बना लो, तो पेस्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना मार्केट में तो काफ़ी महंगा महंगा आता है अलग अलग क्वालिटी का अलग दामों में। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसको खरीद लीजिए, इसको बना लीजिए, बहुत काम का आने वाला आपके लिए। अब इसको सिंपली हमें क्या करना, क्या है कि इसके अंदर डाल देना है सिंपली यहाँ से इस तरह से, और सिंपल जो हमारा सोल्डर आयरन है बस इसको किसी साइड में ऐसे लगा देना है इस तरह से, या फिर आपके पास अगर लाइटर वाइटर है तो इसको लाइटर के पास से ऐसे जला दीजिए इसको थोड़ा गर्म करने के लिए, या फिर ऊपर से ऐसे जला जला दीजिए। दोस्तों वैसे ये पिघल रहा है अभी धीरे धीरे, थोड़ा धीरे समय लगेगा इस पर, मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ आसानी से, इसलिए हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, धीरे धीरे ये पिघल रहा है। और दोस्तों ये पिघलते पिघलते एक बार बिल्कुल पानी जैसा गर्म हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा सॉफ्ट होने के बाद आप आसानी से इसके अंदर कोई भी वायर डाल के इसको पैकिंग कर लो और आसानी से किसी भी चीज़ पर सोल्डर कर पाओगे, चाहेगा ये प्लेट हो, ये एल्यूमिनियम का चाहे प्लेट हो या फिर ये बैटरी हो या फिर किसी भी तरह का बैटरी हो, इस पर आराम से आप बारीक से बारीक और बड़ा से बड़े शोल्डर वायर को आराम से शोल्डर कर पाओगे। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है अगर आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हो तो इसलिए वीडियो पूरा देखना और आपको बनाकर दिखाता हूँ, इसके टेस्ट करके किस तरह से काम करता है इसलिए। दोस्तों फाइनली आप देखें तो यहाँ पर इस तरह से इसका सोल्डर पेस्ट बन चुका है अच्छे तरीके से। अब आप इसको इसी में रखने दीजिए या फिर आप चाहे किसी
बोतल में या फिर किसी ढक्कन में किसी डिब्बे में रख सकते हो, वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है अभी, तो आप इस तरह से इसको रख सकते हो और इसको बना सकते हो आसानी से। तो अब मैं आपको इसका सोल्डर करके दिखाता हूँ किस तरह से सोल्डर करना है। तो अभी तक दोस्तों इस वाले बैटरी पर या फिर इस वाले बैटरी पर सोल्डर नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखना दोस्तों चूँकि पेस्ट हमारा बन चुका है, तो अब देखना मेरे पास यहाँ पर जो ये वायर थोड़ा सा उलझा हुआ था, तो अब देखना आप लोग, मैं सिंपली इसको इसमें डुबा दूंगा। इस तरह से, और अब देखना इस पे सोल्डर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छे तरीके से सोल्डर हो पाएगा यहाँ पर। मैं मान लीजिए दोस्तों इसी पर सोल्डर करने की कोशिश करूँगा, तब भी सोल्डर बड़ा आसानी से होगा। वायर बिल्कुल वही है और बस टेस्टिंग लगा दिया है इस बार, और आप देख सकते हो एक ही बार में दोस्तों कितना अच्छे तरीके से सोल्डर हो चुका है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों कितना अच्छे तरीके से सोल्डर हो चुका है, काफ़ी मजबूत हो चुका है, टूटेगा नहीं, काफ़ी मजबूत हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप सोल्डर पेस्ट के साथ से बहुत अच्छे तरीके से सोल्डर कर सकते हो, पेस्ट भी घर पर ही बना सकते हो, आपको बाहर से लाने की कोई भी जरूरत नहीं है कुछ भी। तो अब देखना एक बार आगे वाले साइड में सोल्डर करूँगा, यहाँ पर लगा लिया पेस्टिंग, और फिर देखना यहाँ पर। तो अब इसके आगे साइड में सोल्डर करते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से दोस्तों आप देखते हैं, तो इस तरह से दोस्तों आप देखते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर भी सोल्डर हो चुका है इस साइड यहाँ पर आसानी से, वही वायर बिल्कुल सेम। पावर ऑफ सोल्डर पेस्ट, आप देखते हैं एक ही बार में अच्छे तरीके से पकड़ लिया है, पकड़ मजबूत बना लिया है बहुत अच्छे तरीके से, और इसको लगाते हैं इस तरह से। पेस्टिंग करने के बाद, लगाने के बाद लोहबान को अच्छे तरीके से यहाँ पर सोल्डर कर देना है, आसानी से इस पर सोल्डर कर देना है। जबकि दोस्तों पहले सोल्डर हो ही नहीं हो पा रहा था बिना पेस्ट के, तो इस तरह से सोल्डर पेस्ट में कितना पावर होता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसकी सहायता से यहाँ पर जो ऑक्साइड बनता है ये ऑक्साइड होने नहीं देता, जिसकी वजह से आराम से ये पकड़ बना लेता है, बहुत ही मजबूत सोल्डर हो गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं इसको एक ही वायर के बल पर लटका दूंगा, तब भी ये टूटने वाला नहीं है, झटके तब भी आप देख सकते हैं ये टूटेगा नहीं, इतना मजबूत सोल्डर हो पा रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से बहुत ही परफेक्ट और स्मूथ सोल्डर कर पाओगे इस तरह से सोल्डर पेस्ट की सहायता से, तो आप लोग इस वाले सोल्डर पेस्ट को बना सकते हो अपने घर पर। तो इस तरह से हमने बनाया है, सिर्फ 5 रुपए के अंदर आप लोग भी बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।